हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम्स अप नाउ। आज मैं आपको बताऊंगा विंडोज 8.1 और विंडोज 10 का जो ओरिजिनल इमेज फाइल है आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आपको ये साइट्स पे विजिट करना पड़ेगा। एक पहला साइट है जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है microsoft.com से, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे करके इमेज फाइल डाउनलोड करना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बिफोर यू बिगिन मेक श्योर यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन वो स्पीड उसका अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि ये 3GB का फाइल मिलेगा जो डाउनलोड होने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपका स्लो इंटरनेट है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा डाउनलोड करने में, इसीलिए स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेरा पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे करने के बाद दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड हो चुका होगा तब ऐसा दिखेगा। इसको ओपन कर रहा हूँ, ये विंडोज 8.1 का प्रोसेस है। इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि विंडोज 10 को कैसे करते हैं। ये खुलेगा विंडोज का, यहाँ से पहले लैंग्वेज इंग्लिश, यूके, यूएस कुछ भी सेलेक्ट कीजिए। हिंदी यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं मिलता है। एडिशन देख लीजिए, यहाँ पे से आपको 8.1 प्रो करना है। आपको अगर ये सब करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ तो 8.1 प्रो ही करता हूँ, और वो ज़्यादा रिलायबल होता है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपको सेलेक्ट करना है, अगर आपका रैम 2GB है तो 32 बिट, अगर 2GB से ऊपर है तो 64 बिट आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पे 4GB है तो मैं 64 कर रहा हूँ। अगर आपको 32 चाहिए तो 32 में ही कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 32 बिट सिस्टम में आप 64 चढ़ा दोगे तो अच्छा चलेगा, वो अच्छा नहीं चलेगा। फिर बहुत सारा एप्लीकेशन आपका जो 32 बिट का है वो 64 में नहीं सपोर्ट करता है, तो आप उसका ध्यान रखोगे, और जो आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से आप यहाँ पे 64 या फिर 32 बिट सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, USB जो फ्लैश ड्राइवर और ISO फाइल। ISO फाइल आपका क्या होगा कि एक इमेज फाइल है जो डाउनलोड होने के बाद आपको मिल जाएगा आपके डेस्कटॉप में, और उसको आप डिस्क में, DVD में राइट कर सकते हो या फिर पेन ड्राइव में भी फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पे जो है, अगर मैं यहाँ पे USB सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे को बोलेगा कि एक पेन ड्राइव जो कि 4GB से ऊपर, एटलीस्ट 4GB होना चाहिए, उसको अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट करके रखने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ISO फाइल कर लीजिए। ISO फाइल करने के बाद क्या होगा कि आपका डेस्कटॉप में वो ISO फाइल के लिए प्लेस खोजेगा कि कौन सा कहाँ पे सेव करना है, तो डेस्कटॉप में कहीं भी सेव कर दीजिए। उसके बाद देखिए, ये डाउनलोड कंप्लीट होगा, आपको डेस्कटॉप में इसका फुल्ली सेटअप मिल जाएगा। उस सेटअप को आप DVD में भी राइट कर सकते हो, पेन ड्राइव में भी कर सकते हो। पेन ड्राइव में कैसे करना है मैं बता दूंगा। चलिए, ये तो रहा विंडोज 8.1 का प्रोसेस, अब विंडोज 10 का देखते हैं। मुझे ये डाउनलोड नहीं करना है, मेरा पहले से डाउनलोड किया हुआ है, ये मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। चलिए विंडोज 10 का देखते हैं। विंडोज 10 के लिए इस साइट पे जाएंगे, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिर ये टूल डाउनलोड करना है, 17MB का होगा, ओपन करना है। ओपन करते ही इसमें जितने भी ऑप्शंस आएंगे पहले उनको फॉलो करना है, उसके बाद इसमें भी डाउनलोड प्रोसेस वैसा ही है। एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आप पढ़ सकते हो।
यहाँ पे क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया फॉर अनदर पीसी, यहाँ पे अपग्रेड बोल रहा है क्योंकि मेरा विंडोज 8 है, तो ये डायरेक्टली मेरा डिडक्ट कर रहा है कि मेरा विंडोज 10 हो सकता है अपग्रेड, तो यहाँ से मैं अपग्रेड भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को अपडेट नहीं करना है, मैं बस इमेज फाइल चाहिए मुझे, तो यहाँ पे से नेक्स्ट। अब उसके बाद सेम प्रोसेस है, देख लीजिए ये मेरा ऑटो डिडक्ट कर दिया। यहाँ से अगर मैं यूजर रिकमेंडेड नहीं करूँगा तो ये मेरे को मैनुअली सेलेक्ट करने देगा, तो यहाँ से सेम है सेलेक्ट कर लेना है, फिर नेक्स्ट करना है, सेम ISO फाइल लोकेशन सेलेक्ट कीजिए, सेव कीजिए। तो ऐसे करके आप विंडोज 10 या फिर विंडोज 8 का ओरिजिनल इमेज फाइल डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी में, उसके बाद उसको फ्लैश कीजिए अपने पेन ड्राइव में या फिर CD DVD किसी में भी, और उसके बाद यूज कर सकते हैं। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।